पवई में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नगर परिषद के प्रांगण में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्षता में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने त्रिस्तरीय और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की जीत को विकास की जीत बताया है। साथ ही कहा कि नगर परिषद अध्यक्ष को सभी के साथ मिलकर नगर को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। इस अवसर पर पवई विधायक प्रहलाद लोधी, CMO यशवंत वर्मा, SD SKS गौतम सहित अन्य मौजूद रहे। आज आप देख रहे हैं कि पूरा भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा में भारत बन रहा है, यानी देशभक्ति से ओत प्रोत भारत। वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां हर घर तिरंगा लगा करके भारत के प्रति अपनी कटिबद्धता, अपने देश के लिए, अपने देश की एकता और अखंडता के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज लगे। आज मैं पवई के अंदर आया हूँ, पन्ना जिले के अंदर में देख रहा हूँ घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन नौजवान तिरंगा लेकर के और उत्साह के साथ भारत माता के जय और वंदे मातरम के नारे में सराबोर हो करके वो बारिश की भी चिंता नहीं कर रहा है, गर्मी की चिंता नहीं कर रहा है, यही इस तिरंगे का मान सम्मान और अभिमान। इसलिए मित्रों, आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगे के अभियान में हमारे हितग्राही जो माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, उन हितग्राहियों के घर में भी आज हम जाकर के हमने तिरंगा लगाने का काम किया है और वो लोग इतने उत्साहित थे, उनको गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री ने घर घर हर घर तिरंगे का अभियान लिया है। तो उस दिशा में भी आज देश के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से एक बार जरूर कहना चाहता हूँ कि आज नगर निकाय के चुनाव के फाइनल परिणाम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 331 में से 269 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके 82.13% सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक इतिहास में इतिहास बनाया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बूथ से लेकर के मंडल, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि उन सबके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है इतना व्यापक तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई है। मैं पुनः एक बार सभी कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि पूरा भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र